मुस्लिम वोट बैंक से सीएम बने उमर अब्दुल्ला बिना केंद्र की मदद से पूरे नहीं कर पाएंगे वादे। सीएम बनने के बाद अब तक फिर से धारा 370 लागू किए जाने को लेकर कुछ नहीं बोले अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर यूटी होने के चलते एलजी अथवा केंद्र सरकार के हाथ में होगा पुलिस प्रशासन। धारा 370 हटने के बाद जेएंडके के पहले मुख्यमंत्री बने उमर अब्दुल्ला ने बदलती परिस्थितियां देख हिंदू चेहरे को बनाया डिप्यूटी सीएम। जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने के साथ साथ आमदनी कम होने के चलते प्रदेश को विभिन्न परियोजनाओं के लिए भी रहना पड़ेगा केंद्र की मोदी सरकार पर निर्भर। जमकर पोलराइजेशन होने के चलते मुस्लिम बहुल कश्मीर में एनसी तो हिंदुओं के गढ़ जम्मू में भाजपा ने हासिल की प्रचंड जीत। 42 सीट जीतने वाली एनसी को केवल 23% वोट मिला तो 29 सीट पर सिमटी भाजपा ने लिए 25% वोट। प्री पोल अलायंस के बावजूद 6% सिमटी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा सरकार में शामिल न होने के तर्क को लेकर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया यूजर। केंद्र में 2019 में धारा 370 हटाने वाली मोदी सरकार होने के चलते फिर से कश्मीर को पहले जैसा स्टेटस दिलाने का चुनावी वादा पूरा नहीं कर पाएंगे अब्दुल्ला। केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने पर इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिए जाने के बाद हुए पहले विधानसभा चुनाव में 43 सीट जीत हासिल कर हालांकि उमर अब्दुल्ला सीएम बन चुके हैं मगर बिना केंद्र की मंजूरी के वह अपने अलगाववाद से संबंधित चुनावी वादे पूरे नहीं कर पाएंगे और स्टेटहुड व विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए भी उनकी सरकार को केंद्र का मोहताज रहना पड़ेगा। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस तथा उनके गठबंधन ने धारा 370 हटाने व फिर से स्पेशल स्टेटस जैसे बड़े बड़े वादे तो किए मगर केंद्र में भाजपा की सरकार मौजूद होने के चलते कम से कम 5 साल फिर से धारा 370 बहाल होने की कोई गुंजाइश नहीं है। इतना ही नहीं एनसी अथवा उमर सरकार को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल करने व आर्थिक तंगी के चलते विभिन्न विकास योजनाओं के लिए भी केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ेगा। हालांकि पीएम मोदी अथवा भाजपा ने भी सही समय आने पर फिर से जेएंडके का स्टेटहुड बहाल करने का वादा किया है। जम्मू कश्मीर के चुनाव में इस बार देश के अन्य राज्यों के मुकाबले कहीं ज्यादा पोलराइजेशन हुआ और मुस्लिम बहुल कश्मीर घाटी में जहां एनसी ने भाजपा को क्लीन स्वीप किया वहीं जम्मू के अधिकतर हिंदू बहुल इलाकों में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की। इस इलेक्शन को लेकर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी रहा कि 42 सीट जीतने वाली एनसी को जहां केवल 23% वोट शेयर मिला वहीं 29 पर सिमटी भाजपा को इससे ज्यादा 25% वोट मिले। राजनीतिक जानकारों के अनुसार इस बार भी जम्मू कश्मीर चुनाव में विकास और महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर धार्मिक ध्रुवीकरण हावी रहा और इस चुनाव में जहां 7 निर्दलीय उम्मीदवार जीते वहीं कांग्रेस 6 पर तो पीडीपी 3 पर सिमटी। उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में जहां कल कांग्रेस अध्यक्ष के साथ साथ राहुल गांधी व उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद रहे वहीं प्री पोल अलायंस के बावजूद कांग्रेस का सरकार अथवा मंत्रिमंडल में शामिल न होना भी चर्चा में है। सियासी जानकारों के अनुसार 4 निर्दलीय एनसी में शामिल होने व केवल 6 पर सिमटी कांग्रेस नेगोशिएशन की हालत में नहीं रही। हालांकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शपथ ग्रहण तक जेएंडके को पूर्ण राज्य का दर्जा न मिलना व 1 लाख खाली पद न भरने जैसे अटपटे तर्क दे रहे हैं। 2019 में धारा 370 लागू होने के बाद जेएंडके व लद्दाख 2 यूटी में बांटे जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर सियासी जानकारों का मानना है कि केंद्र की मोदी अथवा भाजपा सरकार ऐसा केवल तभी करेगी जब उन्हें इस बात का विश्वास हो जाए कि एनसी अथवा इंडिया अलायंस की सरकार फिर से अलगाववादी अथवा पाकिस्तान परस्त ताकतों को समर्थन न देकर आतंकवाद के खात्मे में सहयोग करेगी। गौरतलब है कि दूसरी बार सीएम बने उमर अब्दुल्ला के पिता व दादा भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उन्हीं की पार्टी की सरकार के मूक दर्शक बने रहने के दौरान 90 के दशक से कश्मीर से हिंदुओं अथवा पंडितों को खदेड़ा गया था। बहरहाल जेएंडके में पोलराइजेशन अथवा मुस्लिम वोट बैंक के समर्थन से हालांकि उमर अब्दुल्ला यूटी कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री तो बने मगर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एलजी के हाथ होने के चलते उनके सामने ठीक वही चुनौतियां रहेगी जिनके लिए आए दिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल व उनकी पार्टी लेफ्टिनेंट गवर्नर अथवा केंद्र सरकार को कोसते हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर से धारा 370 बहाल करने का राग छोड़ चुके उमर अब्दुल्ला केंद्र के सहयोग की बात कह रहे हैं और उनकी पार्टी व कश्मीर की जनता के लिए वर्तमान हालात में यही बेहतर विकल्प भी समझा जा रहा है। I, Umar Abdullah, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may be required for the due discharge of my duties
as such minister. Thank you. The first time I did this in. At the outset, I welcome the Honorable Chief Minister of Jammu and Kashmir. हमारे इश्तराक उनके साथ बराबर है, तो जहाँ तक कैबिनेट में होके या कैबिनेट से बाहर वो चीज़ें, तो जो लोगों से जो कंटेंशियस इश्यूज हैं या जो उनके ख़ास मामलात हैं वो तो उठाए जाएंगे। तो हमारी तो ख्वाहिश ये थी कि स्टेटहुड में ही इलेक्शन हो, लेकिन अगर नहीं हुए तो अब तो इलेक्शन भी हो गए, उनको स्टेटहुड देना चाहिए। ना देने की क्या वजह है, कम से कम वही बता दें। हमारा तो ये जोर होगा सरकार को कि 1,00,000 जो ये खाली असामी है सबसे पहले इसको फास्ट ट्रैक पे भर दिया जाए। हिज़्बुल्लाह निकलेगा। आई एम टॉकिंग टू द इस्राइल इंसान से बात कर रही हूँ जो फलस्तीन के खिलाफ है। मैं लिबनानियंस को हौसला देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, क्योंकि हम उनके साथ है, शिया कम्युनिटी उनके साथ है, हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर उमर अब्दुल्ला साहब ये कहते हैं कि अफजल गुरु को फांसी देने के लायक वो केस नहीं समझते, तो मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आपके कार्यकाल में जांच एजेंसियों ने जो किया था वो गलत था क्या? फिर मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, आपके कार्यकाल के समय में सर्वोच्च न्यायालय ने अफजल गुरु को फांसी का निर्णय दिया वो गलत था क्या? और मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में शब्द प्रयोग किया था कि अफजल गुरु का जो अपराध है वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम है, अर्थात गंभीर से गंभीरतम अपराध है। जो मुसलमानों पे एक उंगली उठा रहे हैं उन्हें यह पता होना चाहिए कि मुसलमान ने भी इस मुल्क की आजादी के लिए जानें दी हैं। मुसलमान बराबर का हिस्सेदार है वतन की आजादी का। तो वो सिर्फ हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये समझते हैं कि हिंदू उनका वोट देगा। पहले तो इन्होंने राम को बेचने की कोशिश की, अब ये डराने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू दे सारे बासिये की मेरी तरफा हाथ जोड़िए नमस्कार। डुग्गर के आप सभी शूरवीर और देशभक्त परिवारजनों के बीच आकर मन प्रसन्न हो जाता है, एक नई प्रेरणा से भर जाता है। उधर से गोलियां चलती थी और कांग्रेस वाले सफेद झंडा दिखाते थे, लेकिन जब भाजपा की सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया तो उधर वालों के होश ठिकाने आ गए। साथियों, आपको याद होगा आज 28 सितंबर है। साल 2016 में आज की रात, 28 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, ये संविधान के सबसे बड़े दुश्मन है। भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनेंजा, लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियां। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।